नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा का पेज। आज खबर की बात करें तो हम एक नई खबर लेकर सामने आए हैं और बताएं कि जो भी कटरा के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु, चाहे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से आ रहे हैं या वो बड़ी बसेस के माध्यम से आ रहे हैं, तो उनके लिए नुमाई चेक पोस्ट के पास जो है म्यूनसिपैलिटी कटरा के द्वारा साइन बोर्ड लगाए गए हैं। और इस साइन बोर्ड में धर्मनगरी कटरा में जितनी भी पार्किंग्स हैं उन पार्किंग्स के बारे में विस्तार से बताया है। बता दें कि पूरे कटरा में लगभग 20 ऐसी पार्किंग्स हैं, यहाँ पर श्रद्धालु अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं, अपनी बसेस जो है वो भी लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जम्मू रोड की, तो जम्मू रोड में गुरु नानक पार्किंग, बानू पार्किंग, मूनलाइट पार्किंग, सुभाष पार्किंग, भवानी पार्किंग, दुर्गा पार्किंग, खुशी पार्किंग के साथ साथ दुर्गा पार्किंग फेस नंबर 2। और अगर हम बालगंगा रोड की बात करें तो वहां पे लगभग 4 ऐसी पार्किंग्स हैं, इसमें ईशान पार्किंग, अभी पार्किंग, पूनम पार्किंग, सोहन पार्किंग और बाबा पार्किंग। और अगर उधमपुर रोड की बात करें तो वहां पर राहुल पार्किंग, अंबा पार्किंग, प्रियंका पार्किंग, चंडी माँ कार पार्किंग, जोगाश्रम कार पार्किंग और पुजारी पार्किंग। ये लगभग 20 के आसपास की वो पार्किंग्स हैं, यहाँ पर श्रद्धालु अपनी गाड़ियाँ, अपनी बसें जो हैं वो वहाँ पर पार्क करके बालगंगा से मार्ग के दर्शनों के लिए रवाना हो सकते हैं। और साथ ही साथ इन पार्किंग्स की बात करें तो यहाँ पर इस डिस्प्ले में जो है नंबर भी पार्किंग्स के दिए गए हैं। अगर आप नुमाई चेक पोस्ट से आगे जा रहे हैं तो आप फ़ोन करके भी इन्हें पूछ सकते हैं कि गाड़ी लगाने की ऑक्युपेंसी वहाँ पर है या नहीं है। और ये 20 ऐसी पार्किंग्स हैं यहाँ पर, अलग अलग एरिया में पार्किंग्स है। अगर हेलीपैड की बात करें तो हेलीपैड के पास भी एक ऐसी नई प्राइवेट पार्किंग बनाई गई है, जो कि श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रहे हैं वो अपनी गाड़ी जो है वो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और एक ये काफ़ी ज़्यादा मददगार लगेगी कटरा में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, कि जो लोग साइडों पे गाड़ी लगा देते हैं वो भी जो है इन पार्किंगों में अगर गाड़ियां लगाना शुरू कर दें तो काफी ज्यादा ट्रैफिक में भी कंट्रोल जो है वो आएगा। कटरा से शुभम शर्मा।